यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और वहीं एयरसेल मैक्सिस केस के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 जुलाई तक रोक लगा दी है। इससे साफ हो गया है कि प्रवर्तन निदेशालय पी चिदंबरम से पूछताछ तो कर सकेगा, लेकिन उनकी किसी भी तरह से गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। कोर्ट के इस फैसले से पी चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को तय की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कोर्ट से अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 10 जुलाई तक का समय भी मांगा है। तो आपको बता दें, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत मिलती नजर आई है। 10 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उनसे पूछताछ की जा सकेगी। आपको बता दें, एयरसेल मैक्सिस से जुड़ा यह केस है जिसमें पी चिदंबरम का नाम सामने आया है, लेकिन पटियाला कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें 10 दिनों तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कहीं ना कहीं यह अंदेशा दिया जाता है कि अब उनसे पूछताछ की जा सकेगी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर पूरी तरह से 10 दिनों के लिए पाबंदी कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं पी चिदंबरम को भी इस मामले में अब राहत मिलती नजर आ रही है। तो राहत मिलती नजर आ रही है, एयरसेल मैक्सिस का यह केस है जिसमें पटियाला कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और जिसमें पी चिदंबरम को राहत दी है। 10 दिनों तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन उनसे पूछताछ इस दौरान की जाएगी। जिन मामलों पर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए वो पूछताछ जारी रहेगी।